Hi, Pran. कैसे हो आप? हाय ब्रांड, कैसे हो आप? पानी तो पी लिए जी। मेरा नाम आयुष है शर्मा। और मेरा नाम प्रिया आनी। और मैं इनकी मम्मी गायत्री शर्मा। और ये मेरा सन है और ये मेरी डॉटर है। और आप कैसे हैं? आप सब ठीक होंगे, हम यही उम्मीद करते हैं आपसे। और चलिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छा एक सॉन्ग सुनाने वाली हूँ। कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की, कितने दिनों के बाद आई सजना रात मिलन की, सजना रात मिलन की। तो ये आपको सॉन्ग मेरा कैसा लगा? आप लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें मेरी वीडियो में और मुझे बताएं कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है और हम कैसा वीडियो बना सकते हैं। वैसे अभी मेरी स्टार्टिंग, तो अब मैं नीचे जा रही हूँ जीने से। और फ्रेंड्स, ये सामने आप जूम करके देखिए जो नदी के बहाव से बहुत ही ज़्यादा पानी भर रहा है। और यहाँ पे कानपुर में पांडव नदी है जिसमें बहुत तेज़ी से बहाव के कारण घर डूब रहे हैं, बहुत पानी भरा हुआ है यहाँ पे। और इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि पानी दिख रहा है। और यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से बहाव आ रहा है पानी का। सो ये मकान आपको दिख रहे होंगे कि पानी भरा हुआ है और थोड़ा थोड़ा से मकान दिख रहे हैं। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या है। और यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे लोग अपने अपने छतों पे घूम रहे हैं। और एक अंकल जी हैं जो आपको हाय बोल रहे हैं। और इस तरह से देखिए, ये इनका एक बहुत ही बेहतरीन मकान है। सबसे ऊपर वो एक व्यक्ति घूम रहा है। तो इस मकान का जो बनाने वाला जो डिज़ाइनर है बहुत ही वीआईपी तरीके से है। अभी फ़िलहाल पूरा नहीं बना है पर बनने वाला है। पर ये मुझे बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि ये पूरे कांच से ही पैक है। और ये आगे का साइड है जो बिल्कुल कांच के जो शीशे होते हैं ना, उसी से। शायद मुझे उसका नाम नहीं पता होगा पर मैं अभी यही बता रही हूँ आपको कि इसमें कांच के शीशे लगे हुए हैं। जो दरवाज़ा है वो भी कांच कांच का ही बना हुआ है। सो बहुत ही अच्छा है और ये मुझे बहुत पसंद है। और मेरी चॉइस यही है, मेरे पास भी ऐसा ही मकान मुझे चाहिए। तो अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो ऐसा ज़रूर होगा। और ये देखिए मेरे बच्चे हैं, लटके हुए हैं दोनों। और ये देखिए नीचे, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं तो खेल रहे हैं।
ये यहाँ पे ये देखिए नजारा, ये ये देखिए बहुत ही अच्छा मकान है, ये देखो। और ये मकाई का भुट्टा है, तो ये बहुत ही यहाँ पे पैदावारी होती है इसकी, और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, इसको भुंज के खाया जाता है। और वैसे भी भुट्टा खाने वाला टाइम भी है, तो आप भी इसको यूज करिए, खाते रहिए और बढ़िया खुश रहिए, फैमिली को खिलाइए। हमको तो हमने मारा, तुम कभी गम ने मारा, हम सभी को गम ने मारा, इसी गम को मार डालो, इसी गम को मार डालो। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां का जमीं जरूरी नहीं, जा मेरे जा जा वही जिसको मिलती नहीं मंजिले, मंजिले रंग था नूर था जब करीब तू था, एक दम सदा ये जहावत की रेत पर तू मेरे नाम सा लिख के छोड़े गया। तो साथ ही अगर आपको मेरे सॉन्ग अच्छे लगते हैं तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे, और ये आपको करना ही होगा, करना होगा ना? यस, करना होगा, करना होगा। बाय बाय, कल मिलते हैं। Mm-hmm.